हाँ है, मैम बीएनएन स्टार्ट करने लगे हैं, मैंने आपको बताया था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। मैम इसको ना हम लोग ना, अब ये जो बीएनएन है ये संपूर्ण हमारा भृगु नंदी नाड़ी है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, शनि देखा जाए तो हम लोगों के कर्मों का कारक है, शनि हम लोगों के कर्मों का कारक होता है। या बीएनएन में हम लोग क्या चीज को जानेंगे, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या हम लोग कुछ एक्ट करते हैं उसका अच्छा असर या उसका बुरा असर हमारे ऊपर आता ही आता है। इसीलिए हम लोग रेमेडी तो करेंगे ही आगे, लेकिन हम लोग रेमेडी से ज्यादा बेहतर प्लेनेट का यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे हम लोगों को दिक्कतें ना आए। यूटिलाइजेशन रेमेडी से काफी अच्छा काम करता है, ठीक है रेमेडियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब जो प्लेनेट हम लोगों को पता है खराब है उनका यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छी। तो उसके लिए मैम आपको ना ग्रहों के कारक तत्व मालूम होने चाहिए, तो मैं छोटे छोटे कारक तत्व लिखवा दूंगी और मैं आपको दोबारा से भेज दूंगी, वो गया नहीं है कहीं के पास। तो सबसे पहले लिखिए ग्रहों के कारक तत्व। सबसे पहले ग्रह के कारक तत्व मैं बिल्कुल छोटा छोटा बोलूंगी। सबसे पहले आप लिखना सन को, सूर्य, सूर्य आपके पिता हैं, आपकी फैमिली है, इसको लिखना जरूर सब लोग। क्यों? क्योंकि मैं आज आपसे प्रिडिक्शन भी करवाऊंगी ना, इसलिए। सूर्य आपके पिता हैं, आपकी फैमिली है, आपका पहला पुत्र है, पहला मेल चाइल्ड है, गवर्नमेंट है, इगोस्टिक है, अलका मैम बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है मैंने, कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज बोलना। हाँ प्रेम सर आप भी जी मैम, गवर्नमेंट है, ठीक थैंक यू है, मैम। ठीक आप मैम, ठीक जो भी दिक्कत होगी अगर कैमरे खोल सकते हो तो सर खोल लो, क्योंकि क्या है फिर पता लग जाता है कितना पकड़ पा रहे हो कितना नहीं पकड़ पा रहे, आप लोगों के चेहरे आएंगे नहीं, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। हाँ कोई बात नहीं मैम, आ नहीं जाने दीजिए। सर मेरी तरफ से आते ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को पिन कर कर रखती हूँ, ये ईस्टर्न फर्स्ट दिशा है, पहला फर्स्ट चाइल्ड भी बोले गए। ओके मेल चाइल्ड बोला है सर मैंने। हाँ ओके 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 मेल चाइल्ड बोला है, गवर्नमेंट है, ईगो है, स्टेटस है, ईस्टर्न दिशा है, किसी का रह गया हो कुछ? हाँ जी बोलिए। वेस्टर्न दिशा, ईस्टर्न, ईस्टर्न, ईस्ट, ओके, ईस्टर्न, क्योंकि पश्चिम, सन है ना, पश्चिम, नहीं नहीं पूरब, पूरब, ओके, हाँ, पूरब, पूरब दिशा। ओके। हाँ जी अगला चंद्रमा, हमारी माँ भी है, मदर इन लॉ भी है। मीनाक्षी मैम दूसरे ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं, हमारी माँ भी है, हमारी मदर इन लॉ भी है, बड़ी बेटी भी है, ब्लेम भी है, ब्लेम भी है, आरोप प्रत्यारोप। मैम बोलिए मैम हमारा बीच बोलिए। में लीव हो गया था, पता नहीं कैसे। चलिए कुछ नहीं, मैंने चंद्रमा बोला है, चंद्रमा बोला है मैंने, सर अपने यहाँ से म्यूट करो जो हल्ला हो रहा है। चंद्रमा बोला मैंने, चंद्रमा बोला मैंने, माँ है, बड़ी बेटी है, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ है, आरोप प्रत्यारोप मतलब ब्लेम, चेंज किसी भी प्रकार का, चेंज किसी भी प्रकार का, फिकल माइंड है, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी है, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी है, ट्रेवल भी है सर, चीटिंग भी है, चीटिंग, मंगल, मंगल, छोटा भाई, छोटा बेटा, कहने का मतलब एक है मैम, आप जिसको तुम कर कर बोलते हैं वो, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी अभी शुरू किया था श्री मैम, कारक लिखवा रही थी, एक्सीडेंट, नेट का प्रॉब्लम थी इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। एंग्जाइटी, एक्सीडेंट,
दुश्मन, लैंड, लैंड, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे आपकी बातें होना, आपका देहा बॉडी, अगर व्यक्ति जानना चाहता है मैं कैसा हूं तो अपने आप को मेल मंगल से देखेंगे, मेल अपने आप को मंगल से देखेंगे। सबके लिए जुपिटर है, वो बाहरी दुनिया है, वो अभी भी क्लियर करूंगी। राहु, राहु मैम राहु क्या कारक तत्व? वही लिखवा रही हूं मैम। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, स्पीशियस, क्या सस्पीशियस, नहीं पता चला? संदेह सस्पीशियस क्या बोलेंगे मैम, मतलब छिपा रुस्तम। मैडम संदेह कह सकते हैं। मतलब सस्पीशियस कैसे समझाऊं मैम मैं, नेचर चलिए होता है ना। मतलब शक करना, नहीं सस वो अंदर नहीं, सस्पीशियस यानी से कुछ बाहर से कुछ। हाँ मतलब मतलब मुंह पर काफी कुछ और हो गया, अंदर देखने में कुछ, ये मतलब दिल में कुछ और है, सामने के मुंह पर कुछ और है, इस तरीके के लोग भी हिडन अच्छा एक्टिव। छुपी हाँ जी हुई बात होनी, पेट में जो रखता है बात छुपा हाँ कर हाँ रखता है, जो हाँ जी सामने सर, हाँ खुलता जी है यही भेद। यही चीज कहने का मतलब। हाँ, हाँ तब जी, हिडन एक्टिविटी, मतलब एक छिपी हुई बोल सकते हैं इसको आप ना, हिडन एक्टिविटी, शेडो एक्टिविटी, पर छाया, छाया जैसे ना, शेडो मीन्स छाया, क्योंकि छाया ग्रह है ना। जी मैम। शेडो एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी, लॉकडाउन के बाद तो काफी फेमस है मैम ऑनलाइन एक्टिविटी। हाँ। अनएथिकल एक्टिविटी मतलब गलत कार्य। व्हील, व्हील मीन्स चक्का, जैसे गाड़ी का चक्का, वो भी राहु है। व्हील, ओके व्हील व्हील। हाँ हाँ राहु वो है जो चीजें होती रहेंगी, राहु वो है जो चीजें होती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते चलना, ताकि मैं आगे जब आपको चीजें करवाऊंगी तो भी आप कर पाओगे इसको, थोड़ा जो चीजें लिख लोगे। राहु वो है जो चीजें होती रहेंगी, राहु वह है जो चीजें होती रहेंगी। मैडम हाँ जी सस्पिशियस मीन्स संशयास्पद, शंकास्पद। संशयास्पद। क्या मैम, मंगल के आगे ना मैम फर्स्ट हस्बैंड भी लिखना, मंगल के आगे फर्स्ट हस्बैंड भी लिख लेना। जुपिटर, जीव कारक, हम खुद, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जीव कारक हम खुद, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, गेन, डिवाइन ग्रेस, क्या मैम? रिवाइंड। डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय कृपा, ओके ईश्वरीय कृपा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, बढ़ावा, बढ़ाव किसी भी चीज का ना सर, बड़ा, बढ़ना, लक, लक, आइडियल, क्या? राइट आइडियल, आइडियल है सर। राइट। जब भी कोई गलत घटना घटेगी आपको निकाल कर ले जाएगा, मतलब उस गलत इफेक्ट को अपने ऊपर लेगा और आपको निकाल कर ले जाएगा। सेकंड हस्बैंड, सैटन,
तटन में लिख कर्म कारक, कर्म कारक डिले, कर्म कर्म कारक ने। कारक बिल्कुल मैम। कर्मा किसी भी प्रकार का प्रोफेशन भी इसी में है हमारा, काम हाँ धंधा। डिले, डिले, डिले सर्वेंट, डिले सर्वेंट। थर्ड हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड। क्या मैम सेकंड हस्बैंड भी हो, थर्ड हस्बैंड भी इसी में? नहीं, सेकंड हस्बैंड जुपिटर में है, थर्ड हस्बैंड आपके सैटर्न में है। हाँ अच्छा सेटन का लिखवा दो। जी, सैटर्न का लिखवा रही थी। कर्म कारक तो शनि हुआ ना सर, डिले का कारक ठीक सर्वेंट, आपका शनि हुआ। ठीक मरकरी, मरकरी में लिखिए एजुकेशन, एजुकेशन। बिजनेस, ट्रेडिंग, सेल परचेस, बिजनेस ट्रेडिंग। ग्रीनरी, ग्रीनरी। ग्रीनरी। फादर इन लॉ, ससुर। सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ। मून सर सर थर्ड वाइफ है। हाँ चंद्रमा थर्ड वाइफ है, इसलिए प्लीज मैम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते चलना। हाँ केतु, डी लिंक, किसी भी चीज से लिंक का तोड़ देना। कट, कट मेडिकल, कट मेडिकल। लो, वकील की पढ़ाई मतलब मैम। हाँ लो, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। जड़, रिसर्च, रिसर्च। वीनस, वेल्थ, वेल्थ। लग्जरी, ब्यूटी, ब्यूटी। पिनेस, क्या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हाँ जी, लग्जरी, लग्जरी। फर्स्ट वाइफ, गाड़ी, बंगला, फ्लैट्स, मरकरी में भी लैंड लिखिए और कमर्शियल लिखिए, चंद्रमा में लिखिए फूड, मर्क्यूरी में लैंड और लैंड कमर्शियल ऐड करके लिख लेना, कमर्शियल। हाँ कमर्शियल। जी, और चंद्रमा में लिखिए फूड मींस खाना। फूड खाना। मैम दो बातें पूछूंगी। मैम आजकल हम लोगों को पता है ब्यूटी सर्विस बहुत चल रही है, जैसे हाँ हाइड्रा हो गया। बात समझना, मैं बहुत पते की बात बता रही हूँ। एक कई बार लेडी से ना पूछ लेती है, कई बार मैम स्किन खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ब्यूटी का कारक कौन है मुझे ये बताइए। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया है? बिल्कुल वीनस ठीक है, यहाँ तक सर की वीनस है, सबको क्लियर है ना शुक्र। यहाँ तक मैम की वीनस है। हाँ अब मैम ठीक है, हाँ या ना का जवाब देते रहना मुझे। मैम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना है यहाँ पर, ब्यूटी का कारक तो वीनस है। मैम पहले के टाइम पे क्या चलता था? मुल्तानी मिट्टी लगा लो, एलोवेरा लगा लो, मतलब जो घर की चीजें हैं वो प्राकृतिक चीजें लगा लो।
अब मैम जिसके चार्ट के अंदर वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु मैम क्या है, हमारी जड़ है, मैंने अभी कुछ लिखवाया है आपको, हाँ आयुर्वेदा है हमारा, तो जो घरेलू प्रोडक्ट है वो इस वीनस केतु वाले की स्किन को अच्छा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, अच्छा रखेंगे। अब मैम जो फेशियल आजकल चले हुए हैं, हाइड्रा फेशियल, ये फेशियल तो वो फेशियल, किसके लिए बने हैं? जिस लेडी के चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? आर्टिफिशियल, मैन मेड। राहु आर्टिफिशियल है, राहु मैन मेड है, ठीक है मैम, ये चीज यहाँ पर। अब मैम लोग आजकल काम कर रहे हैं, मतलब कपड़ों का काम, कपड़े का काम भी करते हैं मैम हम लोग। अब ऑनलाइन का, आजकल ऑनलाइन का चलन है, ठीक है, ऑनलाइन मैम दोनों चीजों में हो सकता है, लेकिन केतु क्या है मैम हम लोगों का? कट, क्या करना है इस व्यक्ति को, कैसे कपड़े देने हैं, कट कर कर, कैंची टेलरिंग चलाकर, नहीं कैंची चल रहा है जिस कपड़ों में, भाई इतने रुपए मीटर ये कपड़ा, इतने रुपए मीटर ये कपड़ा, कितना मीटर आपको चाहिए, समझे ओके मैम? और यहाँ पर क्या है, रेडीमेड, रेडी ओके बात को समझ लो रेडीमेड मैम, यहाँ पर रेडीमेड कौन सा, ये रेडीमेड है मैम, रेडीमेड क्यों आया है थोड़ा सा समझोगे? क्योंकि राहु का संबंध बना हुआ है हम लोगों का यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग ये वीनस देखा जाए तो ये कपड़ा भी है हम लोगों का, लेकिन लग्जरी कपड़े हैं, क्योंकि वीनस लग्जरी है ना, जो मैंने आपको कह रखा था वीनस लग्जरी है ना सर। ये केतु क्या है? केतु कैंची है, काटता है किसी भी चीज को, थान में से कपड़े काटना आन में से कपड़े काटना, बिल्कुल ठीक है सर, मतलब ये इतने रुपए मीटर है, इतने रुपए मीटर है मैम, ये वो हिसाब है, ठीक है। अब मैम एक चीज आगे और आती है हमारी, इस व्यक्ति को किस तरीके का खाना सूट करेगा, किस व्यक्ति को किस तरीके का खाना सूट करेगा। अब मैम खाने का कारक कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा ठीक है सर। सर ये जो बातें मैं समझा रही हूँ ना, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जब हम लोगों की ये प्रोफेशन पर भी अब आगे बहुत आगे पे बढ़ेंगे जब हम लोग, तब भी मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगी वहां पे। सर खाने का कारक एक ही प्लेनेट है, चंद्रमा, लेकिन अगर बात करें इसके साथ ये जुड़ा होगा, बात करें इसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा, सर इसके लिए कौन सा खाना अच्छा रहेगा अगर इसके साथ में ये है? गुड़ क्या कैसा? रूटेड वेजिटेबल का इसके लिए काफी अच्छी रहेंगी। मैम हाँ जी राहु वाला बोलिए मैम। मैम कन होटल वाला हाँ सर जैसे कि चौमिन, पिज्जा, बर्गर, क्योंकि मैम राहु वाला आपने सुनी है ओहो ना, केतु क्या है? जड़ है, रूटेड वेजिटेबल इसके लिए बनी है। हाँ जी मैम कौन बोल रहा है, बोलिए। मैम वो जो आप ये चंद्र लिखा है उससे ऊपर केतु और राहु दोनों लिखा है। हाँ दोनों लिखे हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध केतु से भी हो सकता है किसी के चार्ट में, किसी के हाँ चार्ट में चंद्रमा का संबंध, मैं हिंदी में लिखती हूँ, मैम चंद्रमा का संबंध थोड़ा बड़ा केतु। अक्षर कीजिए ना दिखता नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपने या ना, फिर मैंने ना अपने, एक मिनट, मैंने ना अपने आप को पिन किया हुआ है, आपके ऊपर ना तीन डॉट बने हुए आते हैं, तो आप उससे अपने आप को कर लेना, मुझे विन कर लेना, इसके साथ नहीं केतु नहीं जुड़ा हो इसमें सकता है। नहीं है मैम कहाँ पर है पता नहीं फोन में ही मैम, फोन में ही होता है, फोन से जुड़ी है क्या? हाँ फोन में है फोन उसमें थोड़ा सा छोटा दिखता जूम है हो जाएगा मैम जूम हो जाता है ये उसी पर रखकर जूम कर लो या बढ़ जाता है ये सर, उसी आपका तरीके फेस से नहीं मैम करके आएगा देखो एक बार, जैसे ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो स्क्रीन को ना, हाँ, ठीक इस नहीं हो रहा है ब्लैक ब्लैक बोर्ड को जूम नहीं हो रहा है चलिए मैम कुछ नहीं, फिर उसको देख लेना, फिर कर लेना उसको, ठीक है सर। बस ये छोटी सी बात समझा रही ओके थी, अब मैं स्ट्रिंग बनाना बताने लगी हूँ आपको। कारक जो मैंने लिखवाए हैं प्लीज उस कारक को खोल के रखना मैम। ये जो चंद्र का संबंध केतु से बना हुआ है, तो रूटेड वेजिटेबल आपके लिए ज्यादा अच्छी है। अगर आप ये बाहरी खाना, मतलब ये पिज्जा बर्गर वगैरह ज्यादा खाते हो ना, तो मैम वो खाना आपको सूट नहीं करेगा ज्यादा। इस व्यक्ति को सूट कर सकता है वो वाला खाना, लेकिन इस व्यक्ति को वो खाना ज्यादा सूट नहीं करता, इसकी तबियत भी खराब हो जाएगी उससे, ठीक है सर। एक देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन पकड़ में आना, क्यों? एक लेडी आ रही है बार, बेचारी बहुत फेशियल वगैरह में बाहर, तुम्हारी स्किन ठीक ही नहीं होगी उससे, तुम्हारी तो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल तरीके से ठीक होगी तुम तो, खाना तुम्हें नेचुरल तरीके का भाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मैम, लेकिन पूछ भी लेते हैं जब कंसल्टेंसी में लोग ऐसी बातें कुछ, तो इसलिए। चलिए सर अब हम लोग सीखते हैं स्ट्रिंग बनाना।
ट्रिम किस तरीके से बनाई जाती है और उसके बाद प्रिडिक्शन कैसे होती है। ट्रिम माने? ट्रिम माने मैं बताती हूँ, अभी बना रही हूँ ना। सबसे पहले मैं एक चार्ट बना रही हूँ, सबसे पहले मैं एक चार्ट बना रही हूँ। अच्छा, चार्ट में फर्स्ट हाउस में लिखिए केतु, चार्ट में फर्स्ट हाउस में लिखिए केतु, सेवंथ हाउस में लिखिए बुध, सूर्य, राहु, बुध, सूर्य, राहु, मंगल, शुक्र, गुरु। मैम फिर से बोलिए प्लीज एक बार। हाँ जी, पहले घर में लिखिए केतु, सेवंथ हाउस में लिखिए केतु, बुध, सूर्य, राहु, सूर्य, आठवें राहु, घर में लिखिए मंगल, शुक्र, गुरु। मंगल, शुक्र, गुरु। गुरु 11वें घर में जी लिखिए शनि और चंद्रमा, ओके। शनि और चंद्रमा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइन। ट्राइन को क्या बोलते हैं मैम हम लोग? 1 5 9 9, हाँ जी, 2 6 ओ 10, या सिक्स थ्री सेवन सेवन या इलेवन 11। 4 8 12, इसे हम बोलते हैं ट्राइन। स्ट्रिंग बनेगी मैम, स्ट्रिंग किसकी? सबसे पहले ट्राइन, नाइन टू सिक्स टेन 10, 3 7 11, फोर वन थ्री एट ट्वेल्व, फोर सेवन इलेवन एट फोर ट्वेल्व, एट ट्वेल्व ओके। ठीक है। और साथ में ऊपर लिख देती हूं मैं युति। युति का मतलब होता है कंजंक्शन, एक ही कन्वर्ट राशि में बैठे हुए ग्रह, कन्वर्ट एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह। फिलहाल के लिए इसके सामने लिख दीजिए आप 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। फिलहाल आप ऐसा लिखिए। ठीक। आपके सामने जो ग्रह बैठे हैं, आमने सामने का मतलब, स्ट्रिंग पहली सेवा एक चीज बनी स्ट्रिंग की, दूसरा आमने सामने मतलब 1 7 की एक्सिस, एक साथ सामने जो ग्रह बैठे हैं उसका रिजल्ट हमारा 70% आप लिख लीजिए, 70% लिख लीजिए। ठीक। सेकंड में जो प्लेनेट बैठा है स्ट्रिंग में, तीसरे नंबर पर हमारा आएगा सेकंड, मतलब दूसरे में जो ग्रह बैठा है उसके आगे लिख लीजिए 90%। सेकंड में जो ग्रह बैठा है उसके आगे लिखिए 90% पर 12th में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके आगे लिखिए 30%। ठीक है सर, यहां तक मैम ठीक है सबका? यहां तक दोबारे के हिसाब से, दोबारे ये, के हिसाब से आपने बताया है। हाँ, दूसरे घर में बैठे प्लेनेट का अच्छा जी, 90% ठीक रिजल्ट है, 12वें घर में बैठे प्लेनेट का 30% रिजल्ट है। ओके। चलते हैं मैम, अभी जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहली स्ट्रिंग क्या बनी है हमारी? ट्राइन व कंजंक्शन। अभी हम ट्राइन को पकड़ने वाले हैं। जो ट्राइन को हम पढ़ेंगे ना, तो सर सबसे पहले हम सेल्फ के बारे में कुछ जानते हैं, तो मुझे ये बताइए सेल्फ का कारक कौन होता है? गुरु गुरु, गुरु ठीक है, मैंने लिखवाया है। सर जीव कारक कौन होता है मैम? जुपिटर। अब मैम एट जुपिटर कहाँ बैठा है मेरा? जुपिटर यहां पर बैठा एट हुआ है मेरा, आठवें घर। में अब सर अगर था। स्ट्रिंग बनेगी तो स्ट्रिंग का मतलब अभी सिर्फ ट्राइन, अभी हाँ, पहली बात करते हैं एक ट्राइन, तो सर मुझे प्लीज ट्राइन बनवाइए क्या है? दो चार तीन हमारे, चार पांच 1.9 में केतु आएगा मैम। पांच मतलब क्या कौन सी स्ट्रिंग बन रही है? अगर सर मोटी मोटी बात करूं जी तो 4 8 12 की स्ट्रिंग बनेगी सर, जी 4 8 12 की स्ट्रिंग बनेगी। ये हाँ 8 हो गया हमारा, हाँ ठीक ठीक ओके। ठीक है सर, अरे 4 8 12 की स्ट्रिंग बनेगी। अब आप देखिए, ये गुरु है, मंगल है और शुक्र है, और कोई प्लेनेट दिखा है सर हम लोगों को ट्राइन में मैम? नहीं दिखा। अब सर बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोग मुझे लिखवाइए, बताइए गुरु के आगे क्या लिखूं, कुछ नहीं गुरु के आगे क्या लिखूं? जी नहीं बोलिए सर, क्या लिखूं? जी जीव लिख लूं? जी जीव, जी ओ अच्छा, बात को समझो मैम, मैंने आपको कारक लिखवाए हुए हैं। हाँ अब यस प्रिडिक्शन की बारी आ रही है आप लोगों की, ठीक अच्छा। है। मंगल के आगे क्या लिखूं सर? देहा।
देहकारक। हाँ देहकारक मतलब बॉडी हो गया सर मेरा। जी हाँ, ठीक है, अब ये कौन है सर? सुंदर है। वेल्थ धन। हाँ एक मिनट सर, सुंदर भी है और वेल्थ भी देखने है। चलिए सर, व्यक्ति के बारे में कुछ बताइए। व्यक्ति देखने में सुंदर सुंदर होगा, और धनवान होगा, व्यक्ति के पास धनवान होगा, धन हो, पैसा भी होगा। पैसा भी होगा। आ गई सर पहली प्रेडिक्शन। मैम मैम हम इसकी एंग्री भी जगह, बोल सकते हैं। नहीं मैम स्त्री के लिए चलेंगे, लेडी के लिए। मैम मैंने बात नहीं समझी, क्या बोल रहे हो मैम? मंगल जो है, जैसे देह शरीर के लिए जेंट्स मेल में बताया आपने, फीमेल के लिए क्या होगा? मैम मंगल देहा का कारक है, बॉडी का कारक है, चाहे वो मेल है चाहे वो ओके फीमेल। ओके ठीक देहा का है। कारक है, चाहे वो मेल है, मतलब क्या होगा? व्यक्ति देखने में सुंदर होगा। मंगल के आगे मैंने आपको एक चीज और लिखवाई है सर, क्या लिखवाया है? लैंड। जमीन, क्या व्यक्ति, सर बोलिए, प्रेम सर बोलिए, ये क्या है? जमीन जमीन होगी, जमीन जमीन से, जमीन धन से पैसा धन प्राप्त कर, धनी होगी, बना सकता है। ओके धन प्राप्त कर सकता ठीक ठीक मंगल छोटा है। भाई या छोटा बेटा भी है? छोटा हाँ, भाई आने छोटा के भाई बाद क्या सुन। व्यक्ति की वेल्थ बढ़ेगी अगर ये छोटे भाई को काम मिलेगा? कारक अच्छा आपके पास है, प्रिडिक्शन यस आप ही कर रहे हैं। अब सर बात पलट रही हूं अपनी, कारक यही है, कारक यही है। सर मंगल कौन है? मेरा हस्बैंड। पति बिल्कुल ठीक है सर पति। ठीक, शुक्र कौन है सर हमारा? वेल्थ। वेल्थ एंड वाइफ, वेल्थ अभी जैसे हस्बैंड ले लिया तो वेल्थ की बात कर लेते हैं सर। ओके सर ये जुपिटर कौन है? ग्रोथ। ओके जैसे ही शादी होगी क्या हस्बैंड की लाइफ में ग्रोथ होगी? होगा, हाँ होगा, वेल्थ ग्रोथ पकड़ होगी। में आ रहा ठीक है सर, ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है? सिंपल वेल्थ ग्रोथ मैम, होगी। यस सर। राजेश सर, प्रेम हाँ सर, जी, अलका हाँ मैम, ठीक है, ठीक जी मैम, मैम, मीनाक्षी मैम, जी कहीं बिल्कुल पर भी क्लियर है। डाउट आ रहा है तो प्लीज क्लियर करिए। नहीं, बिल्कुल सही, क्लियर हो। मैम पति सुंदर भी हो सकता है, तो वो तो कारक आप जोड़ो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एक आइडियल हस्बैंड हो सकता है। आइडियल हाँ हो सकता है। क्यों बोल रही हूँ सर, बताइए को गुरु क्यों? गुरु जुपिटर, है, टीचर भी हो सकता है, तो जुपिटर, जुपिटर मैम अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापक टीचर। वो बिल्कुल बोल सकते हो सकता है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर आप आइडियल भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि जुपिटर है। ठीक सर, देखो एक ही प्लेनेट है, कारक बदलते हुए जा रहे हैं। अब सर ऐसा बोल सकते हैं, वाइफ गुस्से वाली होगी। बोल वाइफ गुस्से वाली होगी क्यों? बात समझिए, अब सकते, ये क्यों आ गई है? वाइफ मींस पत्नी, मंगल और ये हो गया है गुस्सा। मंगल ठीक है, एक चीज और समझना मैम, मैं जुपिटर के आगे लिख रही हूं, बचा लेगा। बात समझिएगा, बचा लेगा। मैं मंगल के आगे लिख रही हूं एक्सीडेंट। बिल्कुल। करिए प्रिडिक्शन, वाइफ की पति वाइफ एक्सीडेंट, के लिए तो लेकिन वाइफ बच बच जाएगी, बचा लेगी। जाएगी। हाँ ठीक, ठीक है मैम, समझ बिल्कुल, में आ रही है मैम चीज? यस यस। नहीं, इसमें वाइफ के एक्सीडेंट होगी तो बचा लेगा गुरु, बच ऐसा जाएगी। कौन बचा रहा है? मैंने क्या बोला था, किसकी ब्लेसिंग है? जुपिटर के आगे लिखवाया था, डिवाइन गुरु बचा ब्लेसिंग। लेगा, बच जाएगा ना, बच जाएगा। चलिए मैम, अब आप लोगों के चार्टों की बात है, चार्ट दीजिए। प्रिडिक्शन आप लोग करेंगे। बीएनएन एक ऐसा टूल है, पहले दिन से ही प्रिडिक्शन सीख जाते हैं, खाली कारक तत्व दिमाग में रखने हैं, और जितना बोलते रहेंगे सर कारक तत्व दिमाग में रहेंगे। सर ये लिखने से ज्यादा ना, आप लोग अगर मेरे साथ बोलोगे तो मैं बोलूंगी प्रिडिक्शन जल्दी कर जाओगे, क्योंकि लिख तो जब रिकॉर्डिंग तो आनी है मैम, बाद में भी लिख लोगे। जितना मैम मेष लग्न की कुंडली है। अभी मेरे साथ थोड़ा सा प्रिडिक्शन पर यहाँ पर जोर दे देना, बोलिए मैम। लग्न लग्न में केतु है, में केतु है, फिफ्थ हाउस में सूर्य और शुक्र है, हाउस में सिक्स हाउस में बुध है, है, सेवंथ में राहु और मंगल है,
एट में गुरु है आठवां में गुरु है, और इलेवेंथ में चंद्र और शनि है। चंद्र और शनि है। हाँ हाँ पूरे हो गए मैम। मैम मुझे जो स्ट्रिंग बनानी है, मुझे जुपिटर की स्ट्रिंग बनानी है। यस मैं जब मुझे अभी सेल्फ के बारे में कुछ जानना है तो जुपिटर की स्ट्रिंग में मुझे कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। तो चलिए मैम कुछ नहीं होता, कोई नहीं मिल रहा। हमने लिखा है 2 12, हमने सब चीजें कहीं ना कहीं लिखी हुई है यहाँ पर। जुपिटर के 7th में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है सर। सबसे पहली बात, ट्राइन में युति में कोई नहीं है ना धनिश्री मैम, कोई हम लोगों का ट्राइन में नहीं है, कोई हमारा 7th में नहीं है। क्या 2nd में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है जुपिटर से? नहीं, ट्वेल्थ नहीं। हाँ जी बिल्कुल सर, 12th में है। कौन है सर? राहु राहु है, राहु है। वो 12वां है, 12वां कितना? 30% है सर। मंगल गुरु, जीव, मंगल, देहा, गुस्सा, मंगल राहु, हाँ राहु बड़ा करना, राहु बड़ा करना, ठीक है। अब मैम मुझे ये बताइए, क्या व्यक्ति में जिसका भी ये चार्ट है, क्या ये व्यक्ति में गुस्सा है? बहुत तेज जी गुस्सा मैम। होगा, हाँ बोलो ना सर, प्रिडिक्शन करो साथ ही। हाँ, बहुत तेज गुस्सा और होगा, गुस्सा पूछो पूछो सामने है। वाले से, क्या हम सही बोल रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ अगला प्रिडिक्शन करो फटाफट से। मैडम, फर्स्ट पीसेस भी होगा थोड़ा। बिल्कुल बोल सकते हो सर। और क्या चीज होगी सर? सर क्या बा ये कोई, 1 मिनट, क्या ये कोई बड़े एक्सीडेंट की तरफ इशारा है? यस हाँ मैम। बड़ा है, मंगल मंगल राहु है। राहु, लेकिन लेकिन बचाव हो जाएगा? हाँ हो यस जाएगा, मैम, हाँ नहीं गुरु है, गुरु हो बचाते हैं जाएगा। बड़ा। जी मैम वो छोट वो ऊपर से तीसरे माले से गिर गया था, फिर भी बच गया। बच गए, ठीक है मैम। देखो सामने वाला हमें खुद ही बोलता जाएगा चीजें, सिर्फ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कारक हैं, उनसे पकड़कर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैम जिसको दिक्कत आ रही है ना, मैं बोलूंगी बार बार आपसे बोलती हूँ, प्लीज मुझे बोलिए जिसको भी दिक्कत आ रही है। मैम ये जो आपने लिखा है ना, वो मेरे को एक बार बता दो ना, क्या लिखा है? गुरु। कुछ नहीं लिखा मैम, मैंने आपका जुपिटर का लिया। सबसे पहले मैंने हाँ आपको स्ट्रिंग बताई है, तो पहले युति हो गई। युति मींस आपका कंजंक्शन, एक ही राशि में बैठे हुए ग्रह। तो हमने देखा जुपिटर के साथ में कोई नहीं बैठा है, पहली बात। हाँ उसके बाद मैंने इसका ट्राइन, तो ट्राइन क्या बनेगा मेरा? 4 8 12 का। हाँ चार आठ बारह जी, 4 में आपका कोई प्लेनेट नहीं बैठा, 8 में हाँ आपका गुरु बैठा है, 12 में आपका कोई नहीं बैठा। अब देखिए, गुरु से 7वां घर कौन सा पड़ता है? 2nd हाउस। उसके अंदर आपका कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा, ठीक है। उसके बाद मतलब वो मैम मैं आगे कहूँ, चलिए, सेकंड हाउस क्या में गुरु से दूसरे में कोई ग्रह बैठा है? नहीं नहीं, है नहीं बैठा मैम। हुआ। मैम सही एक मिनट, चार आठ बारह समझ नहीं आया मुझे, सर, चार आठ बारह गुरु के एक दो लगाएंगे। तीन चार, अभी फिलहाल इतना ही, अभी राशि नहीं ले रही, सिर्फ सिंपल समझाने के लिए। ये देखिए, ये 4th घर है सर, ये 8वां घर है, हाँ। ये अच्छा 12वां घर है। इसका, अच्छा हाँ इसका गुरु की बात कर रहे हैं गुरु ना, गुरु गुरु से नहीं लेना, चार आठ बार है गुरु का ही तो है सर। तो गुरु से तो गुरु मैं नहीं, पांच नहीं नहीं, बैठेगा। गुरु से 4 8 12 नहीं लेना। जुपिटर जहां बैठा हुआ है उसकी स्ट्रिंग बना रही हूं मैं, अच्छा उसकी स्ट्रिंग बना रही हूँ फिलहाल, वो ठीक नहीं ले रही मैं कि गुरु से 4 8 12। नहीं, वो वाली बात ठीक नहीं ठीक है। यही पूछ रहा था। हाँ जी, अभी गुरु से 2nd में कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। गुरु से 12वें में कौन बैठा है? मंगल मंगल और आओ। राहु बैठे हैं। तो हमने क्या किया, मंगल और राहु को लिख लिए। अब मैम ये मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है, ये भी बताइए मुझे। मेल है, मेल चार्ट है मेल मैम, हाँ मैरिड है या अनमैरिड है? मैरिड अनमेरिड है। है, ठीक है मैम। अब मैम ये अनमैरिड है अभी, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा वाइफ को पकड़कर प्रेडिक्शन करते हैं। अब मैम ठीक है, अब जब से ये बच्चा पैदा हुआ, बात समझना मैम, ये जिसका भी चार्ट है, तो पिता की लाइफ में भी कोई ना कोई चीजें आई होंगी मैम, जी पिता की मैम लाइफ में भी कोई ना कोई चीजें आई होंगी। तो पिता का कारक कौन है मैम यहाँ पर? सूर्य। सूर्य। अब मुझे सूर्य का ट्राइन बनवाइए पहले। सबसे पहले सूर्य के साथ किसको लिख लूँ सर? कौन बैठा है शुक्र सूर्य के साथ? शुक्र शुक्र सबसे पहले शुक्र को लिख लूँ सर। चलिए ठीक सर, ओके पिता, वेल्थ, वेल्थ
और सुंदरता जो आप बोलेंगे ना, हाँ ठीक है, हैप्पीनेस भी 11, सूर्य शुक्र लिख लिया सर। क्या सर इसके केतु ट्राइन में कोई, हाँ जी इनके ट्राइन में कोई नजर आ रहा है? हाँ जी सर, केतु केतु केतु। केतु केतु क्या है सर? कट है, एंड कट है, अंत है, कट ठीक है, अंत भी दिख रहा है हम लोगों का। अब यहाँ पर ये तीये मुझे मिल गए हैं, ठीक है, अभी सर इसको पकड़ते हैं थोड़ा सा, फिर ये भी, चलो लिख ही लेते हैं। प्लेनेट तो आ ही गई, शनि क्या हो गया सर मेरा? कर्म कारक है। ट्रैवल ट्रेवल है, और क्या है मेरा? मैडम चेंज है, फिकल माइंड है। अब क्या सर, सोनी कहाँ से आया? सोनी ये देखिए सनी सूर्य के साथ शुक्र में, अच्छा अच्छा साथ ओ सॉरी यस ठीक सर ओके है, ये चीज आ गई ओके हमारे। अब सर जब ये बच्चा पैदा हुआ, पिता की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आया यस मैम? हाँ मैम पिता की हाँ लाइफ, जब ये बच्चा पिता की लाइफ में क्या कोई चेंज आया? चेंज क्यों बोल रहे हैं मैम, बताइए, आप ही बोलिए मैम। चेंज चंद्रा चंद्रा की धरती है चंद्रमा, बिल्कुल सर, कुछ काम का चेंज हुआ हुआ या घर से दूर गए भी, होंगे मतलब आप चेंज बोलेंगे ना प्रेम सर, चेंज आया पिता की लाइफ में कुछ ना कुछ, क्योंकि चंद्रमा है। अब क्या ये बच्चा जब पैदा हुआ, पिता को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, हाँ हाँ और पैसा भी आया पिता के पास, मैम ये चीज है। अब मैम मैं ये पूछूंगी, क्या ट्रेवल के दौरान पिता को कोई कट भी लगा या कोई चोट भी लगी? नहीं अभी तक तो लगी अभी इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, नहीं ठीक है मैम, कुछ नहीं। ये चीजें थी मैम हम लोगों की। दिक्कत क्यों बोली? क्योंकि शनि अगर कर्म का कारक है, तो शनि हम लोगों की दिक्कतों का भी कारक है, शनि दिक्कत भी देता है। पिता की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आया, चाहे रेजिडेंस चेंज, ठीक है। अब किसी ना किसी प्रकार की पिता को टेंशन रहती है, अपनी ना सही तो किसी और की सही। क्यों मैम हाँ धन वो तो की कमी नहीं आई होगी जब बच्चा पैदा हुआ होगा तब क्या नहीं हुई होगी सर? धन की कमी सर धन की कमी की बात ना, अभी मेरे पास डिग्री नहीं है, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा ना सर, सूर्य शुक्र केतु, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। अगर ये कॉम्बिनेशन है सूर्य केतु शुक्र, फिर अच्छा है, अच्छा ओके ठीक है, कट लगाएगा ना केतु, कट करता है ना, हाँ इसीलिए अभी बस थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ूंगी, क्यों? क्योंकि अभी डिग्री अभी आपको नहीं करवाई मैं, ठीक 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 अभी ठीक सिंपल चीज दे रही हूँ मैं मैं यहाँ पर। सर टेंशन का, चिंता का कारण कौन है? केतु, चंद्र चंद्र केतु, पिता को किसी ना किसी जी प्रकार की टेंशन रहती होगी, चिंता रहती होगी, अपनी ना सही तो किसी और की सही, ठीक चंद्र हाँ जी रहती है मैडम है। अब मैम जो नहीं पकड़ पा रहे हो आप, जो भी नहीं पकड़ पा रहा चीज को, मुझे मुझसे क्लियर करो। बिल्कुल मैडम केतु है तो स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं पिता बोल सकते हो सर, मैम सर मुझे नहीं तो हाँ बोलो, ये ट्राइन बनाना ये सब नहीं आया अभी समझ में नहीं आया पूरा चलिए ठीक है, नहीं आया समझ में। अब मैम ये चार्ट आपका ही है, हाँ ठीक है, अब मैम मुझे आप टाइम बनाना बताइए। मैम मुझे मदर के बारे में कुछ जानना है, तो मदर कौन है मेरा, माँ कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा आपने चंद्रमा मुझे चार्ट दिया है, आपने मुझे चार्ट दिया है, इसके अंदर मुझे पहले 159 का ट्राइन बनवाओ मैम एक दो तीन चार पांच सर, एक मिनट एक मिनट, छह उनसे सात उनसे ही बनवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया, उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए वो बोलेंगी, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि उन्हें भी आ जाए। ठीक मैम बताइए चंद्रमा का है यानी ट्राइन बनवाइए। 11 11 भाव में है वो चंद्र बन बैठा है तो अब एक चीज, फर्स्ट अलका मैम एक चीज पर आइए, चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका? 11वें भाव में, हाँ जी तो ट्राइन किसका बनेगा आपका? 3 7 हाँ 11, 11 ठीक है, ट्राइन अच्छा किसका ग्यारह बनेगा? हाँ हाँ जो 11 नंबर का वो ट्राइन है वो बनेगा ऐसा ग्यारह, ग्यारह अच्छा के साथ में दो दो नंबर और क्या लिखे हैं मेरे? 3 लिखा है, 7 लिखा है। 3 और 7 वाला हाँ हाँ तो 3 में तो तो क्या क्या प्लेनेट लिख दूँ मैं, बोलिए। चंद्र चंद्र से 1 2 3 तो खाली घर है ना तीसरा घर खाली है नहीं 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 मैम, पहले मुझे ये चीज बताइए, क्या आप ये जानते हैं ये फर्स्ट हाउस है, हाँ हाँ ये ठीक सेकंड हाउस है, ये हाँ थर्ड हाँ है, ये फोर्थ है, हाँ ये फिफ्थ है, 6 7 8 9 10 11 12, चंद्रमा ओके हाँ से तीसरा नहीं पकड़ना। अब मुझे देखना है थर्ड हाउस किधर है, थर्ड अच्छा थर्ड हाउस हाउस। अब तो मैंने क्या अच्छा लिखवा रखा है, चंद्रमा
चंद्रमा के बारे में हम लोगों को जानना ओके है, तो 11 के आगे दो राशि और ली, दो नंबर और लिखे हैं, तो वो नंबर क्या है? 3 11, मैंने चंद्र आपको जो, से, 3 और 7। चंद्र चंद्र से गिनना है, 1 2 3 ऐसा। नहीं, सुरेंद्र जी आप नंबर लिख दीजिए तो उनको इजी ये रहेगा समझने। चलिए कुंडली मैम से ये देखना है, नंबर काल भरवाओ, से। मैं एक मिनट मैम नंबर भरवाओ, मैम एक नंबर फर्स्ट एक नंबर हाउस, का लगाना है। चलिए 1 2 3 फर्स्ट, टू, 3 4 5 6 7 8 9 टेन ठीक 11 12। है। अब हाँ मुझे सर, तीन नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि में हाँ आपका कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। हाँ हाँ सनी तो चंद्रमा के साथ और किसको लिख लूं? ठीक सनी को, सनी है, आप मुझे बताइए क्या 3 नंबर की राशि में कोई बैठा है? खाली है। नहीं बैठा, नहीं बैठा। सर उनको बोलने दो, 1 मिनट में उन्हें आ जाते हैं। साथ 7 नंबर की राशि में कौन बैठा है? में राहु और मंगल है। राहु, तो मैम ये हमारा स्ट्रिंग बन, प्राइम बन गया, मतलब मंगल राहु ये बन गया मैम हमारा स्ट्रिंग ओके, बन गई मैम हमारी। अच्छा ऐसे बनाना है। हाँ हाँ जी ऐसे बनाना है। ठीक हाँ है, अब मैम मुझे शुक्र की स्ट्रिंग अच्छा, बनानी है, मुझे वाइफ के बारे में कुछ शुक्र। जानना है, शुक्र की स्ट्रिंग हाँ बनानी है, तो कैसे बनाऊं मैम? आप ही मुझे बताइए क्या टाइम बनेगा मेरा। तो शुक्र पहले शुक्र बताइए के किस साथ राशि में है? 5th में है। 5 नंबर की राशि में है। तो हाँ, मैम और 5 नंबर की राशि आ गई, उससे पहले क्या क्या लिखा हुआ है मेरा? पांच, शुक्र, एक और सूर्य, 9, 1 9। और 9, बिल्कुल ठीक है मैम। अब मैम मुझे हाँ, 1 नंबर की राशि में बताइए कौन बैठा है? बिल्कुल 1 नंबर में केतु है, ठीक है। 5 नंबर में कौन बैठा है? ठीक 5 में सूर्य है शुक्र के साथ, है। अब 9 में कौन बैठा है? कोई कोई नहीं है। खाली नहीं है, बन गया है मैम। है। अरे वाह, मैम कुछ नहीं, एक दो चाटपट थैंक लगाओगे ना हो जाएगा, ऐसा कोई वो यू नहीं है, मैम। आपके टू साथ साथ सिक्स ही आगे टेन बढ़ेंगे। हाँ जी 2 6 10 वाली बताना। 2 6 10। अब मैम आप ही मुझे बताइए, यही बताएंगी मुझे, ठीक है ना सर? 2 6 10 में बताइए मैम आपकी 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि का ट्राइन बनवाइए मुझे आप। ठीक हाँ, दो दो में कोई नहीं है, है, बिल्कुल 2 6 6 में बुध है, ठीक है। और 10th में कोई नहीं है। चलिए ठीक है मैम, अभी कोई नहीं है सर, इन्हें ना पहले हाँ ये बताते हैं, फिर दोबारा ये कंफ्यूज कर जाएंगे, पहले हाँ ये चीज बताते हैं इन्हें। ठीक है मैम, हाँ ठीक है अच्छा, इस तरीके से हमारा अभी फिलहाल आप ये समझिए, ये मेरा ट्राइन है, हाँ ये ट्राइन है। ओके, राशि हाँ आप इस तरीके से पकड़ लीजिए तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू सिंपल, वो ज्यादा बढ़िया लिया है, ठीक है इनके लिए। हाँ जी ठीक है, अच्छा, लीजिए। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है, हुआ मैम क्लियर? हाँ अभी कोई व्यक्ति ऐसा जिसको ट्राइन भी नहीं बनाना आ रहा? सर कोई भी ऐसा जिसको ट्राइन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ट्राइन कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, और कोई ऐसा? सबको आ गया बस अलका मैम को यस छोड़कर। मीनाक्षी मैम, मैम, ये जो ट्राइंग बनाया है उसका जो 100% रिजल्ट मिलेगा, जो भी हाँ हाँ मिलेगा। मैम, हाँ 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ओके। उसके बाद 2 में भी प्लेनेट है, 12 में हाँ भी प्लेनेट है, 7th में भी प्लेनेट है। 7th में हाँ कौन कौन से प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं? जिसके विषय में हम, जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, पिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखिए मैम, छोटी सी बात तो आगे कर लेती हूँ। अगर मैम मुझे पिता के बारे में बात करनी है तो कौन से प्लेनेट को पहले नंबर पर लिखना पड़ेगा मुझे? सूर्य, सूर्य सूर्य को। अगर मुझे हस्बैंड के बारे में बात करनी है तो पहले नंबर पर मेरा कौन सा प्लेनेट आएगा मैम? ठीक मंगल, है, अगर मुझे मेरी मदर के बारे में कुछ बात करनी है तो चंद्रमा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। सर अगर मुझे मेरे फादर इन लॉ के बारे में जानना है तो केतु, मरकरी 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 मरकरी। मरकरी। ठीक है, अगर मुझे मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में जानना है मरकरी। मर्के, रिलेटिव्स के बारे में जानना है मरकरी। मर्के, अब मुझे मेरी वाइफ के बारे में जानना है, मुझे मेरी वेल्थ के शुक्र, बारे में जानना है। शुक्र, वीनस, अब मुझे लैंड के बारे में जानना है, बुध, मंगल, कमर्शियल, मतलब बुधाचार्य, हाँ कमर्शियल, अपना मरकरी और मंगल कहीं ना कहीं लैंड के कारक। जी, ठीक है, अब ये चीज
अब सर मुझे एक चीज पूछनी है, पैसे का कारक कौन? वीनस, शुक्र, शुक्र। छोटी वीनस। सी बात और बताऊंगी सर, जिसका वीनस चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, वो व्यक्ति रात में देर से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो कोई पैसों की दिक्कत नहीं आती है। कल बोलते हैं ना, सुबह जल्दी उठ जाया करो, अच्छा पैसा आएगा। उठने के लिए तो छोटे वाले लोग भी उठ जाते हैं मैम। ठीक है, जिसके चार्ट में शुक्र अच्छा बैठा है, अच्छा मतलब राशि से भी देख लेना, 12 नंबर की राशि हो गई है, उच्च का हो गया उसके अंदर, वो अपना 2 नंबर की राशि में हो गया, 7 नंबर की राशि में हो गया। अगर शुक्र जिसके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, वो व्यक्ति रात में देर तक उठते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, अगर आप उस बच्चे को बोलेंगे जल्दी उठ जा सुबह, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं वो चीज बेकार है, वो बच्चे को सोने दो, आराम से उठेगा, अच्छा पैसा आएगा। ठीक है सर, इस चीज को समझना, क्यों? क्योंकि शुक्र वेल्थ का कारक है, शुक्र वेल्थ का कारक है। मैम आज थोड़ा सा ट्राइन तक रहूंगी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि इनको ट्राइन थोड़ा सा बनाने में वो है ना, इस वजह से ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं तो मुझे तो प्रेडिक्शन करवानी फटाफट से हो जाएगा। मैडम शुक्र किस मतलब ये किसी भी हाउस में बैठा हो उसमें चल सकता मुझे हाउस BNN में, है। हमें अच्छा हाउस अच्छा से थोड़ा कम मतलब होता है सर। ओके ठीक ठीक है, हाउस से थोड़ा कम वो रहता है हम लोगों को, क्योंकि इसमें अगर हम जब आगे आगे बात करेंगे तो जुपिटर को, अभी मैं पहले तो आपको कई चीजें बेसिक चीज समझाऊंगी, उसके बाद एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगी। मैम आज अलका मैम आपका काम है, आप मुझे ट्राइंग बनाकर भेजेंगी ग्रुप के ऊपर मैम, हाँ अच्छा हाँ ट्राइंग बना मैम, हाँ कुछ भी आप लोग ना चार्ट डालना और प्रिडिक्शन करना, चाहे गलती करो, मैं ये बोलूंगी मैम राशि से ट्रैंक बनेगा क्या भाव से बनेगा ट्रैंक। सर। बनेगा तो ट्राइंग राशि से, लेकिन उनको सिर्फ समझा, उनका तो चलो आपका 1 नंबर का ही लगन था, जो हाँ हाँ हमारा हाँ हाँ ट्राइंग बनेगा वो राशि से बनेगा। ये एग्जाम्पल के पूछो लिए गुरु आपका 5 नंबर की राशि में है, तो जो ये ट्राइन बनेगा ना सर, 1 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, और ये 5 नंबर की राशि किसी भाव में हो। किसी भाव में हो ठीक उससे मतलब नहीं है मुझे, हमें राशि से ट्राइन बनाना। ठीक ठीक है ना, अब सर एक चीज और बताइए सर, ये गुरु है सर, इसके अंदर ताकत ज्यादा है या इसके अंदर ताकत ज्यादा है? दोनों इसमें ताकत ज्यादा है या चार इसमें ताकत ज्यादा है? नंबर दस दस में चार में दस जाता है चार में चार में चार में में ये शुक्र है, इसमें ताकत ज्यादा है या इसमें ताकत ज्यादा है? बारे बारह में बारह में। बारे क्लियर में बारे हो रही है बात? क्यों मैं ये बातें बोल, अभी में तो और भी चीजें आगे, प्लेनेट भी हैं, सब चीजें हैं, एक सिर्फ दस ताकत किसमें है मैम? ये मंगल है, इसमें ताकत ज्यादा है या इसमें ताकत ज्यादा में है? क्लियर दस में दस में मैम। हो रही है सर, किसमें ताकत ज्यादा है? अब छोटी सी बात को पलटती हूँ, जो लोग समझते हैं, अलका मैम कुछ उच्च भी, आप का थोड़ा ट्राइन तक भी रहेंगी सर, ये मंगल है सर, ये मंगल है, एक मंगल है मेरा सर, 4 नंबर की राशि में मंगल मानिएगा, एक मंगल है मेरा 10 नंबर की राशि में, इस मंगल को आगे शनि मिल गया, केतु मिल गया, चंद्रमा मिल गया, बात समझिएगा सर यहाँ पर, और इस मंगल को आगे गुरु मिल गया, शुक्र मिल गया, सर कौन सा मंगल ज्यादा ताकतवर है? चार नंबर वाला, चार नंबर वाला होगा मैम। 4 नंबर वाला ज्यादा ताकतवर हो गया। गुरु ताकत देगा। मैडम आपने ये 4 और 10 लिखा है वो राशि लिखी है ना हाँ जी, आपको उसमें। समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उच्च का प्लैनेट है, उच्च का मैं प्लैनेट के साथ में मिला कौन? सही है। मनी मैं डिग्री समझा उच्च मैडम का प्लैनेट पहले। होते हुए भी उसमें क्षमता बढ़ गई। ठीक है ना, ये चीजें सर आगे थोड़ा सा क्लियर करूंगी, क्योंकि मैम का थोड़ा सा भी वो है ना, इसलिए मैं ऐसा बोलूंगी। ठीक है मैम, कुछ नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे चल लेंगे, उनको भी क्लियर, उनको अपने साथ लाएंगे। सही बात मैम है। आज आपने ये बनाने हैं ट्राइन, हाँ ओके चलिए मैम हाँ आज के लिए जी इतना ही हाँ करते हैं। मैडम, हाँ जी मैम, आजकल तो अभी सब लोग ऑनलाइन ही रहते, तो बिल्कुल जुपिटर राहु मार्स का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो व्यक्ति है वो ऑनलाइन इस यानी घर बेचने खरीदी का साइट ज्यादा देखता होगा वगैरह, ऐसा कह सकते हैं बोल क्या? सकते हो बिल्कुल मैम, लैंड को लेकर चीजें ज्यादा या लड़ाई झगड़े की हाँ चीजें ज्यादा देखता होगा। हाँ अगर ऐसा ये किसी छोटे बच्चे की उसमें है, तो मैम
आजकल ये ऑनलाइन गेम्स भी चल रही है, कौन सी गेम ज्यादा खेलेगा, मार धाड़ वाली। पबजी वगैरह। ठीक है, पबजी जो मार धाड़ वगैरह जिसमें ज्यादा हो रही है वो चीज। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, हाँ मिलते हैं फिर कल। ओके मैम, चलिए ठीक थैंक यू, है मैम, बाय। नमस्ते मैम। नमस्ते सर।